गरियाबंद जिले के तोरेंगा वन परिक्षेत्र के राजा पड़ाव इलाके में करीब 17 हाथियों का दल अचानक पहुंच गया, जिससे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। इस दौरान कुछ दुस्साहसी लोग करीब जाकर वीडियो भी बनाने लगे। ऐसे ही वीडियो बना रहे एक युवक को हाथी ने कुचलकर मार डाला। मिली जानकारी के मुताबिक मृतक का नाम अशोक मरकाम है, जो शोभा थाना क्षेत्र के ढोलसराई गांव का रहने वाला था। वन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार युवक हाथियों के करीब पहुंचकर वीडियो बना रहा था। युवक का हाथियों के झुंड ने दौड़कर कुचल दिया। गंभीर रूप से युवक ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। फिलहाल हाथियों में धमतरी जिले के रिसगांव जंगल की ओर जाने की जानकारी मिल रही है। घटना के बाद आसपास गांव में मुनादी करवा दी गई है। लोगों को अकेले जंगल ना जाने की हिदायत देकर घरों में ही रहने की सलाह दी गई है। जिला पंचायत उपाध्यक्ष संजय नेताम के हाथों मृतक के परिजनों को सहायक संचालक पीआर ध्रुव ने 25,000 की सहायता राशि प्रदान की है। दंती सीधानी टाइगर रिजर्व में लगभग 15 हाथियों का दल विचरण कर रहा है। ये आज सुबह की घटना है। कुछ ग्रामीण हाथी के निकट जाने की कोशिश कर रहे थे। वन अमले ने पूरी कोशिश की ग्रामीणों को दूर करने की, परंतु एक शख्स लगभग 23 वर्ष का हाथी के ज़्यादा निकट चला गया और उस दौरान हाथी ने उस व्यक्ति पर हमला किया। वहाँ जांच उपरांत पाया गया कि वो मर चुका है और इस संबंध में वन अमले द्वारा कंपनसेशन अमाउंट जो इमीडिएटली दिया जाता है 25,000 रुपीज़, उनके परिवार को सहायता राशि दी जाएगी। तत्पश्चात 6,00,000 रुपये जो कंपनसेशन देने का प्रावधान है उसको विधिवत पूरा किया जाएगा। हाथियों को देखने के लिए जंगल में गए हुए थे, उसी दरमियान जो है ढोलसराई का अशोक मरकाम जी भी गया हुआ था, तो एक 17 हाथियों का दल है उसमें से एक हाथी पलट करके अशोक को जो है वहीं पे पटक दिया। मैनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने यहाँ पे मृत घोषित किया है। मैनपुर क्षेत्र के ढोलसराई गाँव का एक युवक जंगली हाथियों के झुंड को देखने गया हुआ था, इसी बीच हाथी ने उसको दौड़ाया और वो भाग ना पाया, उस स्थिति में उसको पटक दिया। बाद में उसको घायल अवस्था में मैनपुर चिकित्सालय लाया गया था, जहां उसने दम तोड़ दिया।